गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालिसिस ऑफ द कट ऑफ प्रिडिक्शन फॉर द फाइनेंस अकाउंट स्टेंट फॉर विच द एग्जामिनेशन वाज़ रिसेंटली हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च टू तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे पंचायत अकाउंट इस्टेंट का और फाइनानस अकाउंट इस्टेंट का कट ऑफ प्रडिक्शन क्या रहा था और सेफ स्कोर क्या रहेगा यहाँ पे हमारा तो उसका डीप एनालिस करेंगे हम यहाँ पे तो अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है तो आपके कितने सारे चांसेस है यहाँ पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आने की तो यहाँ पे बात करेंगे अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा तो बात करेंगे और टोटल पोस्ट कितने हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे नाइन हंड्रेड सेवेंटी टू पोस्ट यहाँ पे हमें फाइनेंस अकाउंट स्टेटमेंट देखने को मिले जिसमें हमें हाँ फोर थर्टी सेवन यहाँ पर जनरल कैटेगरी के, के पोस्ट देखने को मिलेंगे जिनमें टेन परसेंट रिजर्वेशन को निकाल के यहाँ पे फोर थर्टी सेवन पोस्ट यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी के, के लिए यहाँ पे रहते हैं आउट ऑफ नाइन सेवनटी टू आफ्टर द डिरेक्शन ऑफ टेन परसेंट पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन तो जनरल कैटेगरी की ये बात करेंगे हम तो यहाँ पर अगर हम पंचायत अकाउंट स्टिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या स्कोर रहा था ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो ये देखिए फाइनेंस अकाउंट इस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था यहाँ पे बच्चे जो एवरेज बच्चे यहाँ पे ट्वेंटी वन स्कोर कर पाए और पंचायत अकाउंट इस्टेंट में यहाँ पे अकाउंटेंसी में यहाँ पे बच्चे थोड़ा मॉडरेट लेवल का था तो यहाँ पे बच्चे ऑनली सिक्सटी मार्क्स एवरेज में यहाँ पे कल यहाँ पे अटैम्प्ट कर पाए थे तो जीके की बात करेंगे तो जीके के यहाँ पर पंचायत अकाउंट स्टेट में बच्चे यहाँ पे ट्वेंटी फाइव तक गए थे और यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट स्टेट में ट्वेंटी थ्री तक चले गए थे बच्चे यहाँ पे स्कोर करने में यहाँ पे वो वो उन्होंने हासिल किए थे यहां पे थे यहाँ पर मैथ्स की बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे सेम रहा था पंचायत अकाउंट स्टेम में भी इनका अटैम्प्ट इतना रहा था सेफ अटैम्प्ट यहाँ पे भी इतना ही रहा था और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे हाँ जो पंचायत अकाउंट स्टेंट में थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का देखने को मिला था इसलिए चार फूर मार्क्स यहाँ पे एवरेज हमने लिया है और फाइनेंस फाइनेंस अकाउंट स्टेंट में यहाँ पे थोड़ा इजी लेवल का था इसलिए हमने एवरेज सिक्स आउट ऑफ टेन लिया है तो साइंस की बात करेंगे तो साइंस में हमें यूजली सेम लेवल देखने को मिला था दोनों पंचायत अकाउंट स्टेंट में एज फाइनेंस अकाउंट स्टेंट में तो यहाँ पर हम सेवन को लेके के यहाँ सेवन को सेवन की एवरेज को लेकर चलेंगे तो उसके बाद कंप्यूटर की बात करेंगे तो फाइन पंचायत अकाउंट स्टेट में बहुत इजी ये सेक्शन पूछा गया था तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे ऑलमोस्ट तो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन भी अटैम्प्ट करके आए थे बट एवरेज में हम ट्वेंटी फाइव यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर जो फाइनेंस अकाउंट स्टेट में यहाँ पर तीन पोर्शन हमें एडिशन में देखने मिले थे जिसमें कंप्यूटर आता है और यहाँ पे स्टैटिक्स और इंग्लिश के टेन टेन मार्क्स को इंक्लूड कर अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो मॉडरेट तो लेवल का था तो यहाँ पे फाइव हमने एवरेज लिया स्टैटिक्स का यहाँ पे इजी लेवल था तो हमने सेवन एवरेज लिया है इंग्लिश का भी इजी था हमने नाइन और एट यहाँ पे कंसिडर कर लिया है आउट ऑफ टेन तो यहाँ पर हम एज्शन करते हैं यहाँ पर ट्वेंटी आउट ऑफ थर्टी यहाँ कि बच्चे यहाँ पर इन तीन सेक्शनों में ट्वेंटी वन ईजीली यहाँ पर कर रहे थे यहाँ पर सॉरी गाय यहाँ पर थ्री नहीं है यहाँ पर थर्टी है ये यहाँ पे थर्टी है तो अगर हम बात करेंगे जो फाइनल एवरेज स्कोर बनता था मतलब सेफ अटैम्प्ट सेफ अटैम्प्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे एटी थ्री हमने बच्चों ने यहाँ पे एवरेज में लिया था तो यहाँ पे जो यहाँ पे सीरियस वाले कैंडिडेट थे यहाँ पे जो कंपटीशन में बचे थे उनके एटी थ्री यहाँ पर एवरेज में बन रहे थे यहाँ पर जो कम्पटिशन वाले बच्चे सीरियस वाले कैंडिडेट उनका यहाँ पे इस अकॉर्डिंग इस एन के अकॉर्डिंग एटी एवरेज बनेगा तो यानी कि इस साल एक मार्क्स यहाँ पे आपको एडिशन में देखने को मिलेगा यानी कट ऑफ आप आपको थोड़ा हाई दिखने देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज कम है और लेवल भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी तो बात करें कि यहाँ पे टोटल अगर हम जनरल पो अगर हम यहाँ पे पंचायत अकाउंट एक्सटेंड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या जो हमारे कैंडिडेट्स थे तो वो कितने थे यहाँ पे ये देख सकते हैं आप जो यहाँ पे हंड्रेड के एबो कितने कैंडिडेट्स थे हंड्रेड के एबो यहाँ पे हंड्रेड प्लस यहाँ पे बच्चे वो ऑनली फाइव कैंडिडेट्स थे और नाइन्टी फाइव टू हंड्रेड के कैंडिडेट्स थे वो नाइनटीन कैंडिडेट्स थे नाइनटी टू नाइन्टी फाइव जिनके मार्क्स थे वो हंड्रेड कैंडिडेट्स थे एट्टी फाइव टू नाइन्टी कितने मार्क्स कितने बच्चे स्टैंड कर रहे थे टू नाइनटी टू यहाँ पे एट्टी फाइव टू नाइन्टी कैंडिडेट्स यहाँ पे स्कोर पे स्टैंड कर रहे थे और जो यहाँ पे एटी फोर पॉइंट सेवन फाइव इस पर ट्वेंटी वन कैंडिडेट्स स्टैंड कर रहे थे तो और जिसका मार्क्स यहाँ पे एटी फोर पॉइंट सेवन फाइव था तो उनका रैंक पंचायत अकाउंट इस्टेंट में फ़ोर थर्टी सेवन था यानी कि इसके अकॉर्डिंग पंचायत अकाउंट इस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका कट ऑफ होना चाहिए था एटी फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव तो आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे एटी फोर पॉइंट सेवन फाइव था तो यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे फोर थर्टी सेवन की बात चलिए तो यहाँ पे अगर हम सेफ़ स्कोर की बात करेंगे गाइस तो सेफ स्कोर यहाँ पे रहेगा आपका एट्टी सिक्स प्लस आप सेफ़ रहोगे मतलब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बाकी अगर आपका स्कोर यहाँ पे एटी थ्री टू तो एटी सिक्स बन रहा है तो आपके चांसेस बहुत हाई है कि आप आपका मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं अब यहाँ पे बात करेंगे एटी वन टू तो एटी थ्री इनका यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ फेवरेबल हो जाए तो अगर मेरट कम होगा तो ये लिस्ट में आ सकते हैं तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि जो फाइनेंस अकाउंट एस्टेंट का यहाँ पर एग्ज़ाम हो गया है अब इसका मेरिट आने वाला है तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके जो कट ऑफ रहेगा वो अराउंड यहाँ पे एट्टी फाइव के रहेगा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एट्टी फाइव के अबो ही रहने वाला है ओपन कैटेगरी की बात करेंगे तो बाकी कैटेगरीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे ई डब्ल्यू एस वगैरह जो आर बी ए की बात करेंगे तो उनका यहाँ पे एट्टी टू से अबो ही रहने वाला है आई थिंक सो उसके बाद बात करेंगे एस सी एस टी की बात करेंगे तो उनका यहाँ पे सेवेंटी एट के अबो स्कोर रहेगा तो उस अपने को सेफ सुन में कंसिडर कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने यह डिस्कस किया कि पंचायत अकाउंट स्टेंट तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जैसे हमने देखा पंचायत अकाउंट में हंड्रेड के अबोव ओनली फाइव कैंडिडेट्स थे तो यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट्स में यही देखेंगे जो हंड्रेड हो के अबोव होंगे वो बहुत कम होंगे आप मान लीजिए आप वो फाइव परसेंट बच्चे होंगे लेकिन एट्टी नाइन्टी टू हंड्रेड जो बचे होंगे वो यहाँ पे टेन अगर यहाँ पे टू यहाँ पे टू परसेंट लेंगे अगर हम यहाँ पे टेन परसेंट लेंगे यहाँ पे होगा थर्टी परसेंट होंगे इसके बीच में यानी कि जितना जितना स्कोर अगर हम एटी फाइव टू नाइन्टी जाएंगे तो यहाँ पे थर्टी परसेंट कैंडिडेट्स यहाँ पे लाई करेंगे यानी कि जितना जितना स्कोर कम जाएगा उस पर ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हंड्रेड के अबाउट टेन कैंडिडेट्स है तो एट्टी टू एटी फोर एटी फाइव पॉइंट फाइव पर यहाँ पर आपको टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड कैंडिडेट्स भी देखने को मिलेंगे जितना ज़्यादा कम यहाँ पे स्कोर होगा उतना ज़्यादा एक ही स्कोर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टैंड कर रहे होंगे तो ये फंडा रहता है इसका कि जितना हाई यहाँ पे स्कोर होगा उतने कम स्टूडेंट्स होंगे उस पर स्कोर उनका कम होगा मतलब उस पर उन्होंने कम यहाँ पे स्कोर किया होगा बट यहाँ पे अगर हम नाइन्टी के बिलो जाएंगे तो एक एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे हंड्रेड हंड्रेड कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे तो ये है फंडा इसका एग्जामिनेशन का आई होप आपको ये एनालिस समझ में आ गया होगा बट आप अपने आप को जोन में तभी कंसिडर करेंगे जब आपका स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ़ दिस एनालिसिस आपका बनेगा तो ये तो ऑनली प्रडिक्शन है बट रेस्ट जो जेके एस बी फाइनलिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल पता ही ही जाएगा बट अभी फ़िलहाल के लिए ये एनालिसिस था फाइनेंस अकाउंट का जो यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया था तो आपके स्कोर अगर इस रेंज में बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो बाकी आपका स्कोर अभी फिलहाल के लिए क्या बन रहा है हमारे साथ शेयर करेंगे कमेंट्स में तो बाकी आपके आने वाले रिजल्ट्स को आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने यहाँ पे स्कोर हमारे साथ शेयर किए और जेनवन स्कोर हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि आपकी रैंक क्या हो सकेगी यहाँ पर फाइनलिस्ट में तो चलिए गाइज़ ये था हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस तो गाइज़ मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में कुछ नया इंपॉर्टेंट लेके तब तक के लिए गुड बाय खुदाफिज़ टेक केयर एंड बाय बाय